नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। गाजा से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। हमास ने, मतलब कि हमास बैक जो गाजा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और एंटीक्विटीज़ है, उसने यूनेस्को को ये कॉल दिया है कि वे सीज़ फायर के लिए पहल करें और इसराइल को फोर्स करें और इसराइल के अगेंस्ट में, IDF के अगेंस्ट में एक्शन भी लें। इसके पीछे का जो कारण बताया है इस मिनिस्ट्री ने पर्टिकुलरली, उसने ये बोला है कि उन्होंने ओमारी जो मॉस्क है, जो ये बताया जाता है कि तकरीबन 5वीं सदी का है या शायद उससे भी पुराना है, उसको एयर स्ट्राइक में उसको नेस्त नाबूद कर दिया। जैसे कि आप स्क्रीन पर उसका फोटो देख सकते हैं, जो एक ही मिनारेट बची है उस पर्टिकुलर मस्जिद की। इसके अलावा 7 अक्टूबर से अभी तक गाजा में IDF द्वारा जो स्ट्राइक्स किए गए थे, उसके अंतर्गत तकरीबन 104 मस्जिदें मलबे में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इसके चलते गाजा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और एंटीक्विटीज़ ने यूनेस्को को ये बताया है कि वो इसराइल के ऊपर सीज़ फायर करने का जोर लगाएं और इसराइल के अगेंस्ट में एक्शन लें। अब इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो साथ में ये भी घूम रहा है, जहां पर हमास के आतंकी शो ऑफ कर रहे हैं अपना जो रॉकेट का जो जत्था है उसको। इसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारे रॉकेट्स हैं और उन सभी को एक ट्रेंच जैसा बना दिया गया है, जिसमें से इसराइल की ओर एम करके ऑलरेडी लोड किया जा रहा है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जो इसराइल हमास वॉर को कवर कर रहे हैं, वो ये दिखाना भूल जाते हैं हर बार कि जहां पर एक तरफ से इसराइल गाजा में समय दर समय अलग अलग जगहों को आइडेंटिफाई करके प्रिसीजन स्ट्राइक के थ्रू उनके आतंकवादियों को, उनके लीडर्स को और उनके जो लॉन्च पैड्स हैं उनको जहाँ पर नेस्त नाबूद कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ गाजा से भी कॉन्स्टेंटली रॉकेट फायरिंग आज भी चालू है। जी हाँ, गाजा से आज भी इसराइल की ओर रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, जबकि ज़्यादातर मीडिया चैनल्स और न्यूज़ एजेंसीज ये रोना रो रही हैं कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गए हैं। यहाँ तक कि UN सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस, जिसकी धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी कम होते जा रही है, वो भी गाजा में इमीडिएट सीज फायर करने के लिए उसने प्रपोजल रखा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसको 13 मेंबर्स ने उसके फेवर में वोट दिया था, ब्रिटेन ने एब्सटेन किया था और US ने उसको वीटो कर दिया था। जिसका मतलब इमीडिएट सीज फायर के लिए कोई भी कॉल UNSC द्वारा इसराइल को नहीं दी जा सकती। US और इसराइल इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ही क्लियर हैं कि उनको क्या करना है। उनका जो मकसद है, खास करके इसराइल का जो मकसद है, वो काफ़ी ही क्लियर है कि जहाँ तक हमास का हर एक आतंकी ख़त्म नहीं होता, वहाँ तक ये जंग चालू रहेगी। साथ में बीच बीच में वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए पॉजेस भी दे रहे हैं और इजिप्ट के माध्यम से राफा बॉर्डर के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन एड को आने के लिए भी परमिशन दे रहे हैं। लेकिन जैसे हमने कल के वीडियो में आपको बताया कि उसमें भी उस ह्यूमैनिटेरियन एड को भी हमास के आतंकी गाजा के आम मुसलमानों से छीन रहे हैं बंदूक की नोक पर, और इसके चलते गाजा के आम लोगों को बहुत ही दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, जहां पर फूड शॉर्टेज है, फ्यूल शॉर्टेज है। तो इन सब का पूरा जिम्मेदार हमास है, जिसके अलग अलग वीडियो प्रूफ्स हम आपको समय दर समय शेयर करते आए हैं। यहाँ तक कि हमास के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि ये जो टनल्स बनाई है हमास ने, उसको सिर्फ हमास के उपयोग के लिए लिया जाएगा और उसमें किसी भी गाजा के आम नागरिक को जाने की परमिशन नहीं है। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड आती है US से, UN से या किसी भी देश से, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसमें इंडिया ने 2 बार ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है गाजा को, तो वो सब जो एड है वो ज़्यादातर हमास के आतंकी गन पॉइंट पे अपने कब्जे में लेकर उन टनल्स में ले जाते हैं। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को अनदेखा करते हुए यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटारेस, उसने ये डिमांड रखी कि इसराइल को तुरंत ही सीज फायर करने के लिए बोला जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर प्रपोजल में हमास ने 7 अक्टूबर को जिन लोगों को बंधक बनाया था, जिसमें से तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग, जिसमें महिलाएं, बुज़ुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं, उनको छोड़ने का मेंशन तक नहीं है।
बेशर्मी की बात यहाँ तक है कि एंटोनियो गुतारेज ने या फिर यूएन ने या फिर किसी भी यूएन से संबंधित संस्था ने आज तक अक्टूबर 7 को हमास के हमले को कंडेम नहीं किया है। उन्होंने इस बात को कहीं पर भी आज तक 7 अक्टूबर से लेकर आज तक तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, इन 2 महीनों में कभी भी ये मेंशन नहीं किया है कि किस तरह से हमास ने अमानवीय रूप से सिविलियंस को टारगेट बनाया, बच्चों का सर कलम किया, उनको जला दिया, महिलाओं को और बुजुर्गों का रेप किया और उनको भी मार दिया, और जो सिविलियंस थे इंक्लूडिंग विमेन चिल्ड्रन एंड एल्डरली उन सभी को वे हॉस्टेज बनाकर ले गए। इन सब के चलते यूनाइटेड नेशंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि ये स्पष्ट हो रहा है कि यूएनएससी या फिर यूएन इन पर्टिकुलर और उनकी सारी संबंधित संस्थाएं साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस के इन्फ्लुएंस में है। इसके रिस्पांस में इसराइल ने सीधा यूएन को मना कर दिया है, ये बताते हुए कि वे कोई भी सीज फायर मानने की तैयारी में नहीं है। और ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से इलॉन मस्क ने डिज्नी को न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू के दौरान GFY कह के रिस्पॉन्ड किया था, बस थोड़े वर्ड्स अलग हैं। अदरवाइज जो सेंटीमेंट्स हैं इसराइल की ओर से वो काफ़ी ही सिमिलर हैं। हम यूएन का इस तरह का जो वन साइडेड नैरेटिव है और रिक्वेस्ट है उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और ये आशा रखते हैं कि जल्द से जल्द यूएन को और उससे कनेक्टेड सभी संस्थाओं को तुरंत ही डिसॉल्व किया जाए। आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से ये डेवलपमेंट्स होते हैं, और जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको क्या लगता है कि यूएन की क्रेडिबिलिटी कितनी बची है और क्या सीज फायर होना चाहिए इसराइल में या नहीं, ये हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।